नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन चौहान है। आई होप यू वेल। और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में गिरावट की वजह क्या हो सकती है और आपको अभी क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होगा जिसमें डिटेल में बात करेंगे कि अभी मार्केट की परिस्थितियां क्या है, क्या मार्केट और गिर सकता है क्या, और अगर रिकवरी आने के चांसेस हैं तो वो कब तक है और आपको अभी क्या करना चाहिए, सारी डिटेल में बात करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नोट वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। चले बिना टाइम वेस्ट किए शानदार वीडियो। इंडियन स्टॉक मार्केट को जैसे किसी की नजर लग गई है, जब भी चीजें कुछ ठीक होना स्टार्ट होती है, मार्केट में एक रैली कुछ रिकवरी आना स्टार्ट होती है, कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और सारे मंसूबे पानी फेर देता है। ठीक है, अभी पिछले कुछ महीनों से आप देखोगे तो यही चल रहा है, लेकिन अभी जो चीजें हुई है वो किसके कारण हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि ऑलरेडी आप सबको सारी चीजें पता ही है और बहुत सारे वीडियोस आपने देखे। जब भी कोई कंटेंट वायरल होना स्टार्ट होता है, जब भी कोई न्यूज ऐसी आती है, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने कंटेंट, अपने व्यूज के लिए बहुत सारी चीजों को बड़ा चढ़ा करके बताते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे फैक्ट बताऊंगा, चीजें जो रियल है, जो हो सकती है या फिर होने वाली है, और अभी आपको क्या करना चाहिए डिटेल में हम आराम से बात करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे समझने की कोशिश। सबसे पहले आप मुद्दा पता ही है आपको कि भाई जो ईरान है इसने इसराइल के ऊपर ड्रोन अटैक कर दिया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा जो है ड्रोन अटैक माना जा सकता है, मिसाइल अटैक माना जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हुई है। आप जान सकते हैं, पता ही है सबको, लंबा नहीं खींचेंगे। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, इन दोनों के बीच में लड़ाई जो 35 साल से चली रही है, लेकिन अभी मार्केट क्यों गिरा और अभी ये क्या हुआ इसके बारे में बात अगर मैं आपको करूँगी दूंगी, तो इन लोगों ने जो है सीधे कोई मिलिट्री अटैक नहीं किया था एक दूसरे के, तो ईरान ने जो है सीधे मिलिट्री ड्रोन अटैक कर दिया, तो इसका जवाब इसराइल जरूर देगा। और ये बोला भी इन्होंने कि हम देंगे सही समय आने पर इसका जवाब जरूर। अब ये ईरान को भी पता है कि इसका जवाब तो आना ही है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बता दिया कि आसपास के जो भी कंट्रीज हैं, अगर कोई भी इनको अपना एयरपोर्ट या फिर एयरलाइंस जो यूज करने देगा हम पे अटैक करने के लिए, तो हम उसको भी अटैक करेंगे। तो ऐसे में ऐसी वॉर सिचुएशन में कोई भी फंसना नहीं चाहता है। ठीक है, और इसको लेकर के आप देखो कि डॉलर की प्राइस जो है वो तेजी से बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि FI जो होते हैं, DI जो होते हैं, जो इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े बाहर के, पैसा जो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आता है FI का, वो यहाँ पे सेफ साइड लेते हैं, इक्विटी से पैसा निकाल लेते हैं और बॉन्ड्स में डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ी सेफ साइड होती है। ठीक है, तो आप देखो डॉलर का प्राइस जो है तेजी से बढ़ने लगा क्योंकि मार्केट में सेलिंग आई, और यहाँ पे सेलिंग आएगी तो मार्केट गिरेगा, सीधी सी बात है। अब दो दिन से आप देखो पिछले जब ये न्यूज आई थी उससे पहले मार्केट कल भी गिरा था, आज भी मार्केट में गिरावट हुई, अच्छी खासी गैप डाउन, गिरावट होने के बाद मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, कल भी ऐसा हुआ, आज भी सेम टू सेम सिचुएशन जो है वो दिखाई दे रही है। आप 150-200 पॉइंट आप देखो, इतनी बड़ी गिरावट नहीं, ऐसे मार्केट क्रेश नहीं बोला जाता। पहला तो मैं अगर आपको बोलूँ तो मार्केट क्रेश नहीं बोला जाता, मार्केट क्रेश हो सकता है। कब हो सकता है? अगर इन दोनों का वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया, जिसके चांसेस भी हैं, इसके चांसेस भी बन रहे हैं कि अगर वॉर स्टार्ट हो गया मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसको मार्केट क्रैश नहीं बोल सकते हम। लेकिन इस समय आपको करना क्या है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो क्या करे? ठीक है, तो उसके बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो आपको सबसे पहले तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक है आपके पास, उसको आपको बेचना नहीं है, पैनिक होकर लॉस बुक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपने देखा कोरोना टाइम में मार्केट गिरा था, इससे पहले इस साल भी हमने देखा, पिछले साल भी हमने देखा 2 बार मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट में रिकवरी आ गई। क्योंकि जब तरह इस तरह का होता है ना सिचुएशन, तब मार्केट गिरता तो है लेकिन वापस से रिकवर भी कर जाता है। तो आपके पास जो अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसको बेचने की गलती मत कीजिए। और मार्केट अगर बहुत ज्यादा गिरता है, क्रैश होता है, तो आपको अच्छे स्टॉक भी गिरते हुए दिखाई देंगे जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी कम प्राइस में उसको बाय करने की, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब ये चीजें होंगी। ठीक है, अब फिलहाल इसके चांसेस बन रहे हैं, लेकिन अभी जो है सिचुएशन इतनी भी खराब नहीं हुई कि आप जो सीधा सेलिंग प्रेशर कर दें। FI जो है वो बेच रहे हैं क्योंकि उनको पैसा यहाँ से निकाल के बॉन्ड में ट्रांसफर करना है, क्योंकि उनको अपना सेफ साइड देखना है, अगर वॉर चालू हो गई तो उनको बहुत बड़ा लॉसेस हो सकता है। अब हम ठहरे रिटेलर, उसके पीछे पीछे हमको नहीं भागना है। ठीक है, हम इंडियन हैं, हम यहीं रहेंगे और हमको जो है इक्विटी मार्केट में अभी बनाए रहना है। अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आप बने रहिए, आपको कोई इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नया इन्वेस्टमेंट ठोक दीजिए मार्केट, नया पैसे डालना, अभी ये भी नहीं करना है, ना ही आपको सेलिंग करना, अभी टाइम जो है वो चुपचाप बैठने का है, चीजों को मॉनिटर करने का, देखने का। ठीक है, अगर आपके पास फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मैं बस अभी यही आपको कहूंगा बस। तो अभी के लिए जो सिचुएशन है उसको अगर हम एक लाइन में बात करने की कोशिश करें, तो जो ये वॉर की सिचुएशन है, ठीक है, उसको अगर रिटेक होता है और ये वॉर स्टार्ट हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट गिरेगा, लेकिन उसके बारे में वीडियो के माध्यम से अपडेट दूंगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, आपको अभी पैनिक होकर उसको बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेट करना है, चीजें रिकवरी करती है। हमने 2 बार ऐसा देख लिया, इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ है और मार्केट रिकवरी कर जाता है, तो आपको अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को बेचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। दूसरा मुद्दा, अभी ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट में पैसा थोपो और चीजें खरीदो, आपको सिर्फ सेफ साइड चलकर चलना है, अभी थोड़ा वेट कर लो, मार्केट की सिचुएशन को थोड़ा सुधरने दो, उसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमें क्या करना। तो ऑल ओवर चीजें थी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। बाकी मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, ये स्टॉक मार्केट है और ये हमेशा से रिस्की ही रहता है, यहाँ पे आपको ऐसा ही पैसा लगाना चाहिए जो आप छोड़ने
के लिए रेडी हो गया तो वो पैसा चला जाए, तो आपको बहुत ज्यादा कोई आपको फर्क ना पड़े, या फिर आप उतना ही लॉस उठाओ जितना कि आप सह सकते हो। स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी नॉलेज वीडियो हमेशा से देखने के लिए इस चैनल के साथ बने रहेगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंकलाब जिंदाबाद, भारत।